जी बेटा, अब हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी साइटोसिस के बारे में। ठीक है, कौन सा टॉपिक है हमारे पास? साइटोसिस। साइटोसिस क्या चीज है? देखिए, हम चूंकि काफी टाइम से जो हम टॉपिक्स अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे 3-4 लेक्चर्स जो है वो गुजर चुके हैं, दे आर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जी साइटोसिस। कौन सा टॉपिक है बेटा? साइटोसिस का टॉपिक है। इस टॉपिक में भी हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह मटीरियल जो है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो मूव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइटोसिस? साइटोसिस क्या चीज है? ठीक है, साइटोसिस की हम लोगों ने बतानी है जी, डेफिनेशंस बतानी है कि व्हाट इज साइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है व्हेन मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, जब मटेरियल्स जो हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर वेसिकल्स और वैक्यूल के जरिए मूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोसिस। ठीक हो गया जी। नाउ वैक्यूल का तो आपको पता है कि सेल के अंदर वैक्यूल पाया जाता है। व्हाट इज वेसिकल्स? वेसिकल्स जो है दीज आर आल्सो नोन एज अ स्मॉल पॉकेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज होती है? ये स्मॉल पॉकेट्स की तरह होती है जिसके अंदर फॉर सम टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। ठीक हो गया। सो नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज साइटोसिस? साइटोसिस क्या चीज है? मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू वेसिकल और वैक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोसिस। गॉट इट बेटा? व्हेन मटीरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स और वैक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल, दिस इज नोन एज द साइटोसिस। ठीक हो गया। टाइप्स आ गई हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोसिस। एक हमारे पास आ जाती है एंडोसाइटोसिस और सेकंड हमारे पास आ जाती है एक्सोसाइटोसिस। ठीक हो गया जी। एंडोमीन इनसाइड अंदर की तरफ और एक्सोमीन बाहर की तरफ आउटसाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास, ठीक है, एंडोसाइटोसिस जो होता है द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू वेसिकल्स और वैक्यूल फॉर्मेशन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में हमारे पास जो कंटेंट्स, जो मटेरियल मूव करते हैं वो इनसाइड द सेल करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस। इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इसका ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट फोल्ड्स इनवर्ड अराउंड द मटेरियल। ठीक है, कि वो मटेरियल के इर्द गिर्द फोल्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब वो फोल्ड हो जाती है तो दे फॉर्म पॉकेट्स, पॉकेट्स बनाती है। जब पॉकेट्स बन जाते हैं तो पॉकेट्स गेट डीपन्स, वो डीपन गहरे होते जाते हैं एंड फॉर्म वेसिकल्स, और वो छोटा सा पाउच या थैली नुमा चीज बना देते हैं। ठीक हो गया, यहां तक आप लोग को समझ आएगी। आगे हमारे पास आ जाते हैं वेसिकल्स सेपरेट्स एंड मूव टू द सेल। फिर ये जो वेसिकल्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से एंड मूव टू द सेल, और सेल के अंदर की तरफ जो है ये मूव करने लग जाते हैं। गॉट इट बेटा? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की टू टाइप्स है, एक हमारे पास आ जाती है फैगोसाइटोसिस और एक हमारे पास आती है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में हमारे पास सेल जो है वो सॉलिड थिंग्स को लेता है, सॉलिड चीजों को लेता है, और पिनोसाइटोसिस में सेल जो है वो लिक्विड चीजों को लेता है। ठीक है, नाउ सी द डायग्राम। डायग्राम में आप देखें तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, यानी एनवायरनमेंट है, बाहर का माहौल है, और ये हमारे पास सेल का अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है पूरा, ये सेल का साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म के बाहर की जगह है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास है जी सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज है? सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास ये देखें कि ये जो हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं एंडोसाइटोसिस, इसमें ये देखें कि ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इस ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स जो है ये हमारे पास क्या चीज है? मटेरियल है। इस मटेरियल के गेट देखें तो ये डॉट्स जो है ये जमा होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो रही है। ठीक है, यहां से फोल्ड हुई है, फिर उसके बाद ये देखें ये मेम्ब्रेन ने इस मटेरियल सारे को कवर कर लिया। कवर होने के बाद ये देखें एक स्मॉल पाउच बन गया, ये वाला पाउच थैली नुमा चीज बन गई है, और ये फिर यहाँ पे देखें तो ये चीज सेल मेम्ब्रेन से अलग हो गई है और सेल के अंदर मूव करने लग गई है। गॉट इट? दिस इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट। अब हमारे पास आ जाते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हमारे पास क्या चीज होती है? आउटवर्ड मूवमेंट होती है, यानी ये सेल से बाहर की तरफ मूव करती है। ठीक है, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम द सेल थ्रू वेसिकल्स फॉर्मेशन इज नोन एज
एक्सोसाइटोसिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये है कि जो वेसिकल्स होते हैं दे मूव टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. अब ये नासा डायग्राम्स को भी देखते जाए बेटा, ये हमारे पास वेसिकल्स हैं, ठीक है, पाउच है जो मटेरियल इसके अंदर जमा है. अब ये आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ मूव करेगा? सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा. ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आहिस्ता आहिस्ता सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा. फिर क्या होगा जी कि इसकी वेसिकल की मेम्ब्रेन और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये दोनों क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगी. फ्यूज मीन जुड़ जाएंगी, ठीक है. जब ये जुड़ेंगी तो दे क्रिएट अ स्मॉल ओपनिंग. ये अगर थर्ड वाले में आप देखें तो यहाँ पर आपको छोटा सा सुराख नजर आ रही है, देखें ये ओपनिंग नजर आ रही है, ठीक है, ओपनिंग नजर आ गई है. अब ओपनिंग करने के बाद, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तमाम कंटेंट्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ, बाहर वाले एनवायरमेंट जो है इसमें सारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है. ये देखे आपने, ये तमाम कंटेंट्स जो था वो इसके अंदर से बाहर की तरफ रिलीज हो गया. सो दिस इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में जो कंटेंट्स होते हैं वो वेसिकल या वैक्यूल की फॉर्म में जो होते हैं वो सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं, जबकि एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास जो वेसिकल्स होते हैं दे मूव आउटसाइड द सेल. ठीक हो गया बेटा जी? गॉट इट? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं बेटा जी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू.